नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। आज बात करेंगे द्वापर युग के उस युद्ध की जिसे हिंदू शास्त्रों में धर्म युद्ध कहा जाता है। वो युद्ध जिसने दुनिया को वो ज्ञान दिया जो पूरे संसार का आधार बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के युद्ध की और उससे जुड़े कुछ अवशेषों की। महाभारत के युद्ध को करीब 5000 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी इस युद्ध से जुड़े कुछ अवशेष मिले हैं जो काफी चौंका देने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको महाभारत के उस जगह पर जहाँ की धरती में दफन है पांडवों और कौरवों के कहानी के अवशेष। उत्तर प्रदेश न केवल भारत की राजनीति को मजबूती देने वाला प्रदेश है, बल्कि इतिहासकारों की माने तो ये प्रदेश पौराणिक गाथाओं की वो पृष्ठभूमि है जो द्वापर युग की सभी बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा है। वहीं यूपी के बागपत में स्थित सिनौली गांव में भारतीय पुरातत्व विभाग को भूमि के अंदर से जो चीजें मिली है वो वाकई में हैरान कर देने के साथ साथ महत्वपूर्ण खोज बताई जा रही है। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर संजय मंजुल, डॉक्टर अरविंद मंजुल ने खुदाई में मिले चीजों की जांच की और टीम ने बताया कि उन्हें यहां ताम्र युग की सभ्यता से जुड़ी तलवारें प्राप्त हुई हैं। वहीं खुदाई में आगे पुरातत्व टीम को करीब 5000 सालों पुरानी सभ्यता के दुर्लभ 8 नरकंकाल और दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री से भरे मृद भांड, अस्त्र शस्त्र के साथ साथ बहुमूल्य मनके भी मिले हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग ने 5000 साल पुराने बताया है। यानी कि ये सभी चीजें महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जा रही हैं। फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम ने एएसआई के निदेशक को संस्थान द्वारा प्रस्ताव जारी कर आगे की खुदाई के लिए इजाजत मांगी है ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संपूर्ण विश्व की मानव सभ्यता का शिरोमणि साबित हो सके। बागपत से दुष्यंत त्यागी और सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट। सादिक ग्राम सादिकपुर सिनौली, करीब 3.5-4 महीने से वहाँ पे मर्दबान मिले और वे कुछ मटके से थे। वे हैं कुछ तलवार है, एक तांबे इसका तांबे का ताबूत मिला 4500 साल पुराने बताई जी। वहीं जिन लोगों को नहीं पता हम उन्हें ये बता दें कि यूपी का सिलौनी गांव उन 5 गांवों में से एक है जिसे पांडवों ने कौरवों से मांगा था। इतिहासकार डॉक्टर के शर्मा के अनुसार महाभारत काल के दौरान बागपत कुरु जनपद का हिस्सा था जिसकी प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली थी। यही वजह है कि बागपत की भूमि में पांडवों और कौरवों से जुड़े कई अवशेष मिले हैं। मेरे साथ सिर्फ इतना ही, आप बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।